जलम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं अहं वंदे परम आनंद माधवम् सुवर्ण आश्नम् इति तत् मेधा अग्निं बलवर्धनम् आयुषयं वर्षयं पुण्यं वर्णयं पुष्यं ग्रहापहं मांसा परम विधावि व्याधिर्निश्च दृश्यते। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमामि हम हे मम सुहात्र हे यार राज देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों नौजवान साथियों मेरे बड़ों मेरे गुरुजनों आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरा वंदन है। पुनः आपको एक स्वर्ण प्राशन संस्कार का एक वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्वर्ण प्राशन संस्कार उन छोटे बच्चों को पिलाया जा रहा है और यह वैदिक युग में एक ऐसा टॉनिक था एक ऐसा लेहन कर्म था जिसके द्वारा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता था उनको दीर्घायु बनाया जाता था उनकी कोई भी जो समस्या चाहे वह शारीरिक है मानसिक है वैदिक आचार्यों द्वारा ऋषि मुनियों द्वारा उस समय पर यह कर्म करके जिसको आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन संस्कार आचार्य कश्यप ने भी इसका बखान किया है अलग अलग आचार्यों ने इसके बारे में बताया है जात कर्म संस्कार के नाम से इसका छोटा लेख भी आपको मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसा संस्कार जिसको कराने से एक छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास किसी भी कारण से यदि रुक जाता है तो वह इसके द्वारा उस समय पर औषध का पान करवा के उन बच्चे विशेष तक इसके गुणों को पहुंचाया जाता था। जिस प्रकार से आज आप अलग अलग तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखते हैं पोलियो का है कोई हेपेटाइटिस बी का है कोई इस तरीके से कोई भी जो इम्यूनाइजेशन चलती हैं तो यह एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है इसको दक्षिण भारत में बहुत प्रचलन है इसका और वहाँ पर लोग बहुत जागरूक हैं यहाँ पर लोग इसके बारे में कम जानते हैं। तो आप यदि स्वर्ण प्राशन संस्कार का एक सेवन करते हैं और तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की आयु बढ़ेगी उसका बल बढ़ेगा शारीरिक विकास होगा मानसिक विकास होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उसके वर्ण में भी लिखा रहेगा ऐसा हमारे आचार्य कश्यप ने बताया है। स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्निम बलवर्धनम आयुषयम वर्षयम वर्णयम पुष्यम पुण्यम ग्रहापहम मांसात परम मेधावी व्याधिर्भिनिश्च दृश्यते षड्भिर्माशे श्रुतः स्वर्ण प्राशनाद् भवेत्। कि स्वर्ण प्राशन संस्कार ही एक ऐसा संस्कार है जिससे आयु बढ़ती है उसके वर्ण में निखार आता है उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है या एक महीने में उसका सेवन यदि होता है तो निश्चित रूप से वह उसकी आयु को बढ़ाता है उसकी मेमोरी को शार्प करता है और यदि 6 महीने तक लगातार इसका पुष्य नक्षत्र में सेवन होता है तो वह आपके बच्चे को श्रुत घर बना देता है। श्रुत घर के बारे में कि बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है वहीं से चीज़ों को उठाना शुरू कर देता है यदि उसके सामने कोई बात हो रही है तो उसको याद कर लेता है। तो इस प्रकार से सुनी हुई बातों को जो बच्चा घर कर जाए धारण कर ले याद रखना एक सामर्थ्य उत्पन्न कर ले उसी को श्रुत घर कहा गया। आप भी इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं